देखिए कक्षा सातवीं का गणित का सवाल दिया, प्रश्नावली है 11.3 और प्रश्न संख्या है 14। 14 में यहाँ पे बोल रहा क्रम में आने वाली तीन विषम संख्याओं का योग 39 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्रम में आने वाली तीन विषम संख्याओं को पहले हमें लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमें मानना होगा, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे माना क्रम में आने वाली तीन विषम संख्या, ठीक है? माना क्रम में आने वाली तीन विषम संख्या। पहले हम मान लेते हैं x को, ठीक है? ये एक विषम है, विषम संख्या है, मान लेते हैं, ठीक है? उसके बाद तीन विषम संख्या यहाँ पे लिखना है, तो x लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे x+2। x+2 क्यों लिखे हैं यहाँ पे? क्योंकि x को हम यहाँ पे विषम संख्या माने, ठीक है? और एक विषम संख्या को जब हम एक सम संख्या में जोड़ते हैं तो विषम संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है? तो 2 यहाँ पे क्या है? सम संख्या। x क्या है? विषम संख्या। तो x+2 जब ये जुड़ेगा आपस में तो ये विषम संख्या कहलाएगा, ठीक है? उसके बाद लिखेंगे x+4, ठीक है? यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, अगर 3 लिखेंगे तो ये सम संख्या हो जाएगा, ठीक है? x ये विषम संख्या है, अगर यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 भी क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। तो 2 जब विषम संख्या को हम जोड़ते हैं तो एक सम संख्या हमें प्राप्त होता है, तो इसलिए एक विषम संख्या और एक सम संख्या लिखेंगे ताकि इसको जोड़ने पे विषम संख्या ही प्राप्त हो, ठीक है? तो x x+2, उसके बाद x+4, ठीक है? अब आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, ठीक है? प्रश्न अनुसार तो x योग इसका बोल रहा, इसका योग कितना है? 39। तो योग का मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ का चिन्ह यहाँ पे दे देंगे x+, फिर लिखेंगे x+2, फिर प्लस का चिन्ह देकर लिखेंगे x+4। इसका योग कितना है? इसका योग दिया है 39, तो यहाँ पे लिखेंगे 39, ठीक है? अब आइए इसको हल करते हैं। तो x x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x, ठीक है? फिर 2 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देकर लिख लेंगे 6। उसके बाद ये बराबर का चिन्ह यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 39 को लिख लेंगे, ठीक है? अब देखिए 3x का 3x लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद बराबर का चिन्ह यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 39 को लिख लेंगे, ठीक है? अब ये प्लस का 6 है, इधर आएगा यहाँ पे 39 के दाई तरफ आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देके लिख लेंगे 6, यानी कि प्लस का 6 यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है? अब यहाँ पे फिर लिखेंगे 3x बराबर 39 में से 6 घटा देंगे तो 9 में 6 हो गया, हो जाएगा 3 और ये 3, यानी कि 33, ठीक है? फिर अब हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है, तो x को यहाँ पे लिख लेंगे x, उसके बाद ये 3x क्या है? गुना में है, ठीक है? इधर जब आएगा 33 के दाईं तरफ तो ये हो जाएगा भाग में, ठीक है? तो यहाँ पे x को यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद 33 को लिखेंगे ये, ठीक है? उसके बाद बट्टे में कर देंगे 3, ठीक है? अब देखिए अब यहाँ पे हम कटा देंगे इसको या भाग दे देंगे, एक ही बात है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है? 1 से 11 में भाग करेंगे तो 11 आएगा, तो x का मान निकल कर आया कितना? 11 आया, ठीक है? x का मान 11 निकल कर आया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः क्रम में आने वाली तीन विषम संख्या, ठीक है?
तो एक्स का मान कितना आया है, 11 आया है। तो यहाँ पे शुरू में कितना लिखे थे, एक्स लिखे थे। तो एक्स का मान जब 11 आया है तो एक्स के जगह पर लिख लेंगे 11, ठीक है, उसके बाद कॉमा दे देंगे। फिर एक्स प्लस 2 दिया है, तो एक्स का मान 11 है ना, तो यहाँ पे 11 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 13, ठीक है, फिर कॉमा दे देंगे। फिर एक्स प्लस 4 दिया है, तो एक्स का मान 11 है तो 11 को 4 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 15, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो क्रम में आने वाली तीन विषम संख्या कौन है, 11, 13, 15, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना, कमेंट करके बताइएगा।